नमस्ते, मैं सुहांशु चौहान आज पुनः होम्योपैथी आपको किस प्रकार मदद कर सकती है इस विषय में नई जानकारी के साथ उपस्थित हूँ। आज हमने विचार किया है शाइनिंग विटामिन, जी हाँ, शाइनिंग विटामिन डी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। विटा है ना, होता जीवन, तो विटामिन जो है हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, ये सबको पता है। विटामिन डी की कमी से बहुत सारे समस्याएं पैदा हो जाती हैं, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। बच्चों में अगर विटामिन डी की कमी होती तो रिकेट्स नाम के बीमारी हो जाती है, और बुजुर्गों में भी हड्डी कमज़ोर हो जाने पर बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। आखिर ये विटामिन डी होता कैसा है? ये विटामिन डी घुलनशील होता है, हमारी चर्बी में घुल जाता है, इस कारण से इसका संग्रह संभव है। जैसे कुछ विटामिन्स होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, उनको लेने के बाद वे रोज़ रोज़ बह जाते हैं, परंतु विटामिन डी के साथ ये समस्या नहीं है। विटामिन डी की प्राप्ति करने के सबसे अच्छा स्रोत है सूर्य। अगर हम प्रातःकाल सूर्योदय से 10 मिनट बाद 5 मिनट बाद सूर्य की किरणों में बैठते हैं 10-15 मिनट, तो हमारे विटामिन डी की आपूर्ति हो सकती है। परंतु हमारे शरीर में इसके लिए कुछ अवयव की आवश्यकता होती है। यह अवयव कहाँ से प्राप्त होंगे? हमें यह अवयव दूध से प्राप्त हो सकते हैं, अंडे के सफ़ेद भाग से प्राप्त हो सकते हैं, कुछ विशेष प्रकार की मछलियों के यकृत से प्राप्त हो सकते हैं। तो ये स्रोत हैं। वनस्पतियों में बहुत कम ऐसी वनस्पति होती है जिसमें विटामिन डी प्राप्त हो सकता है। इसका संतरे से हमें कुछ विटामिन डी प्राप्त हो सकता है। अब आप जानना चाहेंगे कि हमें विटामिन डी अगर प्राप्त करना है तो दूध पीने से क्या विटामिन डी हमें मिल जाएगा? कई बार ये होता है कि हम दूध भी बहुत सारा पी लेते हैं, उसके बाद में भी हमें विटामिन डी की कमी का एहसास होता है। इससे पिंडलियों में दर्द होता है, जॉइंट्स में पेन होता है, कैंसर जैसे रोग हो जाते हैं, टीबी जैसे रोग गड़बड़ करते हैं। इस विटामिन का काम है हमारे प्रतिरोधक क्षमता के टी सेलों को उत्पन्न करना, अतः इसकी बहुत अधिक आवश्यकता होती है। और यह अब होम्योपैथी की एक बहुत साधारण सी दवा केलक्रियाफास 6X, जहाँ केलक्रियाफास 6X का प्रयोग दिन में 3 से 4 बार कर लें तो विटामिन डी की आपूर्ति करने में यह मदद करेगा। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि इसका प्रयोग बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के होता है। शक्तिकृत केलक्रियाफास आपके लिए बहुउपयोगी है। केलक्रियाफास बहुत आसानी से होम्योपैथी की किसी भी दवा की दुकान पर मिल जाती है। इसकी लागत भी बहुत अधिक नहीं होती है, और यह एक शीशी लाकर आप अपने पूरे परिवार को विटामिन डी की कमी से दूर कर सकते, अर्थात आप कैंसर से लड़ने की ताकत, टीबी से लड़ने की ताकत, अपनी हड्डियों को मजबूत करने का सब काम कर सकते हैं। तो आइए हम लोग मिलकर भारत में विटामिन डी का जो है स्रोत केलक्रियाफास का उपयोग करें और अपने जीवन को सफल करें, अपने स्वास्थ्य को अच्छा करें, अपने मित्रों को भी ये जानकारी दें। बहुत सरल स्वाभाविक मेडिसिन है और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। केलक्रियाफास 6X जी 4-4 गोली बड़ों के लिए और छोटों के लिए 2-2 गोली पर्याप्त है। आशा है आपको मेरे
अन्य वीडियो की तरह ये भी पसंद आएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत, पूरा वीडियो आपको सुन